का दर्जा भी नहीं मिल पाया और न ही आज तक पूरे भारत में एक कानून नहीं बन सका कि गौ हत्या या गौ वंश हत्या को बंद किया जाए। और इसी कारण आज स्थिति यह है कि प्रतिदिन 82,000 गायों को सरकारी बुचड़खानों में कत्ल कर दिया जाता है। रुद्रारम कत्लखाने में हम लोग देख कर आए, गाय को 5 दिन तक भूखा रखा जाता है, अंदर लेने के बाद पुलिस से पिछले 2 पांव को लटका कर उल्टा गौ माता को लटकाया जाता है, 110 डिग्री खौलता हुआ पानी उसके ऊपर छोड़ा जाता है, पेट में छेद करके हवा भरी जाती है, जीवित गौ माता का चमड़ा उतारा जाता है, गौ माता की गले पर एक काट करके उसके बीच में से खून पूरा का पूरा रक्त निचोड़ लिया जाता है, फिर गौ माता को मशीन में डाला जाता है, उसमें से हड्डियां चमड़ा रक्त अलग हो जाता है, एचबी हीमोग्लोबिन बढ़ाने की दवाइयां बनती है। माता किशोर जी जो गुजरात से आए हैं, दो शब्द महाराज जी के चरणों में। नारायण समारंभ हम शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। बोलिए शंकराचार्य भगवान की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गंगे मैया की गो हत्या, भारत पार्वती बदे। आचार्य चरण में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत समय से प्रतीक्षारत है भारत कि गौ माता राष्ट्रमाता हो, और इसी अपेक्षा से धर्म सम्राट स्वामी कृपात्र जी महाराज के आंदोलन में आपने अभी भी सुना कि महाराज श्री 54 दिन तक वहां तिहाड़ जेल में भी रहे, और फिर भी आज तक गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा भी नहीं मिल पाया, और न ही आज तक पूरे भारत में एक कानून नहीं बन सका कि गौ हत्या या गौ वंश हत्या को बंद किया जाए। और इसी कारण आज स्थिति यह है कि प्रतिदिन 82,000 गायों को सरकारी बुचड़खानों में कत्ल कर दिया जाता है। रुद्रारम कत्लखाने में हम लोग देख कर आए, गाय को 5 दिन तक भूखा रखा जाता है, अंदर लेने के बाद पुलिस से पिछले 2 पांव को लटका कर उल्टा गौ माता को लटकाया जाता है, 110 डिग्री खौलता हुआ पानी उसके ऊपर छोड़ा जाता है, पेट में छेद करके हवा भरी जाती है, जीवित गौ माता का चमड़ा उतारा जाता है, गौ माता की गले पर एक काट करके उसके बीच में से खून पूरा का पूरा रक्त निचोड़ लिया जाता है, फिर गौ माता को मशीन में डाला जाता है, उसमें से हड्डियां चमड़ा रक्त अलग हो जाता है, एचबी हीमोग्लोबिन बढ़ाने की दवाइयां बनती है, और गौमांस की बिक्री यहां से विदेशों में भेजी जाती है, और उसी कारण से ये भारत में आज भारत अभी कहा गया यहाँ से दयाराम जी पांडे द्वारा तीसरे नंबर पर, आज तो होड़ लगी है पहले नंबर पर आने की कि गोमांस की बिक्री में यहाँ से बीफ के एक्सपोर्ट में भारत फर्स्ट नंबर पर कैसे आए। और इसी कारण से पूरे भारत में आज तक समस्त भारत में गोवंश हत्या प्रतिबंध नहीं हो सकी। हमने आशा रखी थी सरकारों से, लेकिन सारी सरकारें फैल गई, केवल आचार्य चरण है जो चारों पीछे चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि गोवंश हत्या प्रतिबंध होना चाहिए और गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिलना चाहिए। मैं आचार्य चरण का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि आज तक जो कार्य हुए इसमें एक कार्य इतिहास में दर्ज हुआ, 370 की कलम को हटाया गया, लेकिन जैसे आचार्य चरण ने राम जन्मभूमि का जिस दिन न्याय आया, उस न्याय के ऊपर, उस जजमेंट के ऊपर आचार्य श्री का निवेदन आया था कि 5 एकड़ भूमि बदले में मुसलमानों को दी गई, बस यही हाल कश्मीर का हुआ, 370 हटाई गई, बदले में क्या दिया गया मुसलमानों को, आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ, 157 साल से रणवीर संहिता अमल में थी, रणवीर संहिता के तहत भारत का जम्मू कश्मीर पहला राज्य था जिसमें गौवंश हत्या प्रतिबंध कानून लगा हुआ था। 2019 में जैसे ही 370 हटी, रणवीर संहिता हट गई और पहला राज्य बना जिसमें गौ हत्या करने की छूट दी गई सरकार के द्वारा, और 2019 के बाद कश्मीर में गौवंश हत्या करने की खुली छूट दी गई है। ये भारत की सरकार ने छूट दी है, इसके पास क्या अपेक्षा रखे हम, ये गौवंश हत्या बंदी करेंगे जो गौवंश हत्या को
खुली छूट दे रहे हैं। और ऐसा जब होता है तब दिल रोता है। और आचार्य चरण जो आज फैसला लेकर बैठे हैं, जो चुकादा दिया है, जो न्याय दिया है, और भारत की गो संसद आज मिली। सुबह के सत्र में दो आचार्य उपस्थित रहे, दो आचार्यों के यहाँ से महाराष्ट्र के यहाँ तो आना ही था, फिर भी महाराष्ट्र का वीडियो सबने सुना और श्रृंगेरी पीठ का भी पत्र वहां पर आया। तो चारों आचार्य इस बात पर सहमत है, जैसे अयोध्या में न जाने के निर्णय पर चारों आचार्य सहमत थे, आज फिर से चारों आचार्य इस बात पर सहमत है कि गौ माता राष्ट्र माता घोषित होनी चाहिए और ये गुंज गोवर्धन पीठ से उठनी चाहिए। गोवर्धन पीठ पहले कहता है, क्योंकि उनका तो नाम ही है गो संवर्धन, जो गो संवर्धन करते हैं वहां से ये चिंगारी उठी है, अब पूरे भारत में फैलेगी। और बाकी आचार्य, भले ही वो रामानुजाचार्य हो, वल्लभाचार्य हो, निम्बार्काचार्य हो, मध्वाचार्य हो, सभी इसका अनुसरण करेंगे। आज नहीं तो कल भारत की सरकार को झुकना होगा और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आचार्य जी के चरणों में नम्र निवेदन। बोलिए पूज्यपाद शंकराचार्य महाराज की। बहुत ही संक्षिप्त